हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं खीरे के रायते की रेसिपी। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ मैंने देखिए सबसे पहले दो खीरे लिए हैं और इसको हमें इस तरीके से कट करना है और उसे फिर हमें रब करना है जिससे इसका कड़वापन निकल जाएगा। इस तरीके से हमें थोड़ा रब कर लेना है इसे और अब काट लेना है और इसको इन दोनों खीरों को हमें इस तरीके से इसको ऊपर का छिलका जो उतार देना है। तो देखिए हमने इसको छील लिया है। अब इसे हमें कद्दूकस करना है तो इस तरीके से हमें कद्दूकस कर लेना है। अब इसमें हमें ऐड करना है दही। तो यहाँ देखिए मैंने ये दही लिया है, 200 ग्राम होगा लगभग ये दही, और इसको हमें खूब अच्छे से खीरे में मिला लेना है। इस तरीके से हल्के हाथ से मिलाना है। अब इसमें हमें मसाले ऐड करने हैं तो उसके लिए हमने देखिए 1/2 टीस्पून लिया है कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने भुना हुआ जीरे का पाउडर और 1/2 टीस्पून लिया है नमक, वाइट नमक लिया है, और ये मैंने काला नमक लिया है 1/2 टीस्पून, और इन सबको खूब अच्छे से मिला लेना है। देखिए इस तरीके से हमें मिलाना है खूब अच्छे से। तो ये देखिए खूब अच्छे से मिल गया है। अब इसे हमें एक तरफ रख देना है और इसके तड़के की तैयारी करनी है। आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। यहाँ देखिए तड़के के लिए मैंने यहाँ पैन रखा है और उसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसे गर्म होने देना है। देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हमें डालना है 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत सरसों और थोड़ी सी हींग इसमें हमें ऐड कर देनी है। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें इसे हमें ठंडा होने देना है। तो देखिए अब तड़का ठंडा हो गया। अब इसमें हमें तड़का लगा देना है और इसे हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब इसमें हमें ऊपर से हरी धनिए की पत्ती डालनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो डालें। वैसे तो ज़्यादातर ये रायते में अच्छी ही लगती हैं। कितना बढ़िया ये खीरे का रायता बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से एक बार घर पर बनाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।